IPL एक ऐसा टूर्नामेंट जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और हर एक क्रिकेटर का यह सपना होता है कि वह IPL में खेले, क्योंकि IPL दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो BCCI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेटरों की लाइफ चेंज कर देता है। और IPL नहीं, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दीपक चाहर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखा करके इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का मौका दिया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि IPL ने क्रिकेटरों को एक नया जीवन दे दिया है। तो चलिए जानते हैं कि IPL में सिलेक्शन होता कैसे है। तो दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं और क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ये बता करके जाएगी कि आप भी IPL का सफर पूरा कैसे कर सकते हैं, IPL में सिलेक्ट होने का प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लग सकता है और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे दो लाइनें कहना चाहता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये दो लाइनें उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो चाह करके भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर के निराश ऐसे मत बैठो मेरे यार। कि कोशिश करने के बाद भी हो जाती है कभी हार, होकर के निराश ऐसे मत बैठो मेरे यार। बढ़ते रहो आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, देखना एक दिन तुम ही करोगे अपने देश का नाम रोशन। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कोशिश करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही होती है जिसके कारण हम कोशिश करना बंद कर देते हैं और फिर कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए कभी निराश ना होकर के हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं हारते हो तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो अब जानते हैं कि IPL में सिलेक्ट होने के लिए उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको एकेडमी ज्वाइन करना होगा, और जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर क्रिकेट खेलने का सही तरीका सिखाया जाता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आपको एकेडमी या फिर क्लब के मैचों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि IPL में सिलेक्ट होना बहुत ही बड़ी बात है, थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आप ऐसे ही डायरेक्ट IPL में नहीं खेल सकते हैं, उसके लिए आपको जीरो से शुरुआत करना होगा। सबसे पहले एकेडमी ज्वाइन करना होगा, फिर एकेडमी के मैचों में परफॉर्म करने के बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल को पार करने के बाद रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद आपका नाम IPL के ऑक्शन में भेजा जाता है। ऐसे तो IPL में सिलेक्ट होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन IPL में तभी होगा जब आपका प्रदर्शन फर्स्ट क्लास के मैचों में अच्छा होगा। जब तक आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे आपको कोई भी टीम नहीं खरीदेगी। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो IPL में सिलेक्ट हो, लेकिन सिर्फ वही सिलेक्ट हो पाता है जिसका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक मैचों में टॉप लेवल का होता है। IPL में खेलने का मौका बहुत ही कम खिलाड़ियों को मिलता है, लेकिन जो प्लेयर दिन रात एक करके मेहनत करता है और आगे आता है उन्हें बहुत ही जल्द किसी न किसी टीम में खेलने का मौका मिल जाता है। और हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं होता कि आपको कितना समय लग सकता है, वो सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल को कितनी जल्दी क्रॉस करते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो काम जितना मुश्किल होता है उतना फायदेमंद भी होता है। आपको IPL तक पहुंचने में 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, हो सकता है पहुंचो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप ये सोच करके खेलना स्टार्ट करोगे कि आपको IPL खेलना है तो आप कभी नहीं खेल पाओगे। उसके लिए आपको जिस भी लेवल पे है उसी लेवल पे अपना 100% देना होगा। तो दोस्तों, जब आपका नाम IPL के ऑक्शन लिस्ट में भेज दिया जाता है तब आपका एक बेस प्राइज रखा जाता है जो की आपके परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। फिर आपका बोली लगाया जाता है कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। जो टीम सबसे ज्यादा पैसा आपको देती है आपको उसी टीम में शामिल कर लिया जाता है, और इस प्रकार से आपका सिलेक्शन IPL में होता है। लेकिन दोस्तों, जितना आसान हमें ये सुनने में लगा असल में कई गुना ज्यादा इससे मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखना, मुश्किल है नामुमकिन नहीं, इसलिए कोशिश करते रहो या फिर जीतोगे या तो सीखोगे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर क्रिकेट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप किसी भी लेवल को आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत कीजिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि आज नहीं तो और कभी आएगा अपना दौर कभी। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले डालते रहता हूँ, जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।